जैसा कि आप देख सकते हो गियर्स बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर रहा है। सो इन दिस वीडियो आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप सामने के गियर को ठीक कर सकते हो। बट उससे पहले थैंक यू शुभई फॉर रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो। आपको YouTube में इस रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन क्रिएटर कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। बट इस वीडियो में आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। सो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो आपको डेरिलियर से केबल को अलग करना होगा, और एक रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एकदम एंड तक देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एकदम परफेक्टली कैसे आप डेरिलियर को एडजस्ट कर सकते हो। देन आपको इस नट को लूज करना होगा ताकि डेरिलियर ऊपर नीचे एंड साइड बाई साइड थोड़ा मूव कर सके। आपको इसे पूरा खोलना नहीं है। सबसे पहले आपको डेरिलियर के हाइट को एडजस्ट करना होगा। अगर आपका डेरिलियर का हाइट कुछ ज्यादा ही ऊपर की तरफ है तो आपका डेरिलियर कभी गियर्स को ठीक से शिफ्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपका डेरिलियर का हाइट कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ है तो सबसे बड़े वाले चेनरिंग में डेरिलियर का केज अटक जाएगा, इसलिए आपके डेरिलियर के हाइट को ठीक ठाक एडजस्ट करना होगा। और जब आप डेरिलियर के हाइट को एडजस्ट करें तब इस टॉर्क डिस्क को अलग करें। इसके लिए आपको बस चार स्क्रूज को खोलना होगा। उसके बाद आप चेन को कुछ इस तरीके से बाहर निकाल ले। देन आपको डेरिलियर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है, लेकिन एकदम नीचे नहीं। आपको डेरिलियर और सबसे बड़े वाले चेनरिंग के बीच का गैप मैक्सिमम एक 5 मिलीमीटर एमएमके के जितना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं। डेरिलियर के हाइट को एडजस्ट करने के बाद आपको अब डेरिलियर के साइड बाई साइड रोटेशन को एडजस्ट करना होगा, और तब चेन सामने सबसे छोटे वाले गियर में एंड पीछे सबसे बड़े वाले गियर में ही होना चाहिए। अगर आपका डेरिलियर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो ठीक से शिफ्ट नहीं करेगा, चेन रब होगा। और अगर आपका डेरिलियर अंदर की तरफ भी मुड़ा हुआ है तो भी ठीक से शिफ्ट नहीं करेगा, चेन रब होगा। इसीलिए आपको डेरिलियर को एडजस्ट करके डेरिलियर केज को एकदम चेन रिंग के पैरेलल रखना होगा। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको ठीक इस तरीके से डेरिलियर केज को चेन रिंग्स के एकदम समान रखना है। आपके डेरिलियर में दो लिमिट स्क्रो होता है, हाई एंड लो लिमिट स्क्रो। अब इसको एक एक करके एडजस्ट करना होगा, लेकिन पहले लो लिमिट स्क्रो को। इसके लिए आपको लो लिमिट स्क्रो को अंदर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, जिससे इन दोनों के बीच का जो गैप वो कम होने लगेगा। आपको जितना हो सके डेरिलियर केज को चेन के एकदम पास रखना है, लेकिन आपको केज को एकदम चेन के साथ सटा नहीं देना है। बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए ताकि चेन रब ना हो, लेकिन ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, एकदम थोड़ा सा ही गैप रहना चाहिए। देन आपको शिफ्टर्स को चेक करना होगा। अब गियर्स को कितना भी एडजस्ट कर लो, अगर आपके शिफ्टर में ही गड़बड़ी है तो आपका गियर्स कभी ठीक से काम ही नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो शिफ्टर्स के अंदर थोड़ा भी ग्रीस या लुब्रिकेंट भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसे बैरल एडजस्टर से ठीक करने की ट्राई करता तो ये कभी ठीक से शिफ्ट ही नहीं होता, हमेशा हार्ड ही प्रेस होता ये। तो अगर आपके गियर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार शिफ्टर को जरूर चेक कर लें, और इसी पॉइंट को ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। फॉर परफेक्ट शिफ्टिंग आपको इसमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करना होगा, बट उससे पहले शिफ्टर को अच्छी तरीके से साफ करना होगा। ऑयलिंग करने के लिए आप इस तरीके का एक इंजेक्शन का प्रयोग करें। ऑयलिंग आपको अच्छी तरीके से करना होगा, इससे आपका केबल का स्मूथनेस हमेशा बना रहेगा और केबल में कोई भी रस्ट भी बिल्डअप नहीं होगा। लेकिन अगर आपका केबल कुछ इस तरीके से है यानी पूरा ढका हुआ, तो आपको उसे पूरा बाहर निकल के ऑयलिंग करना होगा। आपको अब ग्रीसिंग भी करना होगा। ग्रीसिंग करने के लिए आप एक बड़े साइज का इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हो। ग्रीस को आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना होगा ताकि ग्रीस एकदम शिफ्टर के हर एक कोने कोने तक पहुँच जाए। आप मोटा मोटी ये समझ लो शिफ्टर के हर एक मूविंग पार्ट्स में आपको ग्रीसिंग करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने शिफ्टर को एकदम ग्रीस से भर दिया है। आपको भी बिल्कुल इस तरीके से ही ग्रीसिंग करना होगा। आप हो सके तो एक बार में ही दोनों शिफ्टर में ग्रीसिंग कर ले। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करने के बाद ऊपर के इस हिस्से को अब मैं लगा लेता हूँ। आप इन स्क्रूज को थोड़ा संभाल के रखें क्योंकि ये कभी कभी खो जाता है। अब आपको गियर केबल को डेरिलियर के साथ वापस अटैच करना होगा, बट इससे पहले आपको बैरल एडजस्टर को फुल्ली अंदर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, एंड देन तीन बार बाहर की तरफ घुमाना होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज फॉर बेटर एडजस्टमेंट। देन आपको गियर केबल को एक प्लायर से खींच के इस नट को अच्छे से टाइट करना होगा, और आपको ध्यान रखना होगा आपके गियर केबल में कोई भी स्लैग या गियर केबल थोड़ा भी लूज ना रहे। अब आप एक के बाद एक गियर को शिफ्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो गियर्स एकदम ठीक ठाक शिफ्ट हो रहा है।
लेकिन अगर आपको अपशिफ्ट में दिक्कत हो रहा है तो आपको बैरल एडजस्टर को बाहर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। सबसे बड़े वाले गियर में चढ़ने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसलिए मैं बैरल एडजस्टर को थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लूंगा। और आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही एडजस्ट करना होगा, आपको एक बार में ही बहुत ज्यादा नहीं घुमाना है। कई बार आपका हाई लिमिट्स को है और टाइट होता है, इसलिए गियर सबसे बड़े वाले चेनरिंग में स्लो चढ़ता है या नहीं चढ़ पाता है, तब आपके हाई लिमिट्स को थोड़ा लूज कीजिए एंड देन शिफ्ट कीजिए। और अगर आपका गियर डाउनशिफ्ट में दिक्कत कर रहा है तो आपको बैरल एडजस्टर को अंदर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। इट्स टू इजी, आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके अपने गियर्स को एडजस्ट करना होगा एंड एट द एंड आपको हाई लिमिट स्क्रू का एडजस्ट करना होगा और तब चेन सामने सबसे बड़े वाले गियर में एंड पीछे सबसे छोटे वाले गियर में ही रहना चाहिए एंड देन हाई लिमिट स्क्रू को क्लॉकवाइज यानी अंदर की तरफ घुमाना होगा। आप देखोगे लिमिट स्क्रू एक पॉइंट पे ड्रेलियर से जाके हिट कर रहा है और तब लिमिट स्क्रू को दो बार एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर की तरफ घुमाना होगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कैसे फ्रंट गियर को ठीक किया जाता है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ।